अगर तेरे पति के आगे, पत्नी के आगे पति की कोई निंदा करे तो अच्छी पत्नी किसको कहेंगे? जवाब दीजिए, किसको कहेंगे? हमारे यहां कहते हैं कि पति की निंदा अगर ससुर भी करे, पिता भी करे ना, मां भी करे तो सुनना नहीं, भाई करे तो नहीं सुनना। अगर तुम सच्चे पति हो, अपनी पत्नी हो, परमात्मा की प्रेमी हो, सखा हो, मित्र हो, असली हिंदू मां का दूध पिया है ना, तो जैसे कृष्ण गौ की सेवा करते हैं, उन गौ को बचाने के लिए आगे आ जाओ। बस यही प्रार्थना करूंगा आखिरी शब्दों के साथ। माफ करना अगर मेरे शब्दों से आपको कोई बुराई हुई हो तो प्लीज, ये जो है कथाकार में कथा के माध्यम से नहीं कहे गए, ये एक सच्चे हिंदू होने के नाते कहे गए, तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो यहीं से मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन बुरा लगे और तुम लोग न सुधरो तो मैं माफी भी नहीं चाहूंगा तुमसे, फिर तुम इसी लायक हो। और अगर हाँ तुम सुधरना चाहते हो, तुम कृष्ण के पदचिन्हों पर चलना चाहते हो, कृष्ण के तरह धर्म की रक्षा करना चाहते हो, तो मैं स्वागत करूंगा, और मेरे शब्दों से अगर आपको हर्टिंग हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो माफी चाहूंगा। और जो नहीं सुधरना चाहते हैं तो मैं तुम फिर दोबारा आना, फिर सुनाऊंगा ऐसे। अभी आइए, बहुत समय कम रह गया, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का दर्शन कर ले पहले, क्योंकि आस्था पर वो कट हो जाएगा, फिर आस्था का समय पूरा हो जाएगा। लेकिन आप बैठे रहे, अभी हमारी और आपकी कन्हैया का विवाह बाकी है, और आज थोड़ा प्रसंग लंबा चलेगा, 10-15-20 मिनट, तो आप बैठे रहें, कोई हिलेगा नहीं। और जो हिले अभी से धर्म निभाना शुरू करो उनको, हाँ जो आपके बगल में से खड़ा हो ना, अभी से बता दो कि हाँ तुम है? तो आइए हमारे मध्य में श्री कृष्ण और रुक्मणी आ रहे हैं, उनका आप दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ए लाल बत्ती, रेड सिंगलर, ए देखो अभी मना किया ना, अभी कितनी बड़ी बात कही और फिर खड़े हो गए, देखो। अरे राम राम, इसको कहते हैं हम लोग वो हैं कि तुम कुछ भी कह लो लेकिन हम सुधरेंगे। गलत बात है, एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे। कौन कौन चाहता है गौहत्या बंद होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है गंगा निर्मल होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है जमुना निर्मल होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है मेरे घर में शांति और लक्ष्मी रहनी चाहिए? नीचे करो, बस हो गया। कल संपूर्ण भागवत कथा सुनाई जाएगी आप सबको, शुरू से लेके, जोर से बोलिए, और 7 दिन का लाभ कल आपको मिलेगा। और जिन्होंने संपूर्ण भागवत शुरू से सुनी है उन्हें 2 बार भागवत कथा सुनने का इस पवित्र मास में मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन, अगर आप कल 3:30 बजे के बाद आए, विशेष तौर पर मेरे तुम्हारी खैर नहीं कल, आप सबसे निवेदन, पूरी दुनिया आपको देख रही है, प्लीज मैं आपको अपना मानता हूं, इसलिए कभी गुस्सा भी कर लेता हूं, कभी प्रेम भी कर लेता हूं। गुस्सा करने का हक है कि नहीं मुझे? कौन कौन मानता है कि हाँ हक है? अरे देख निकर गई, निकर गई, ओ भगवान को ब्याह है ना, कहां जा रही है? जब तेरा ब्याह होगा ना अगले जन्म में, ऐसे ठाकुर जी चले जाएगा, चल हम अपने ठाकुर जी थे वही कह देंगे, भाई सही बात है, तू मेरे ब्याह में नहीं आया, मैं तेरे ब्याह में क्यों आऊं? जिन जिन को अपने हर उत्सव में ठाकुर जी चाहिए बैठे रहो यहीं, देख तेरा तो ब्यास हो ही है, तू तो जा। आप सबसे एक प्रार्थना, कौन कौन मानता है मुझे हक है आपको गुस्सा करने का? क्या बात है, देखो ना शर्मा जी क्या आनंद आ रहा है, चकाचक रंग बरस रहा है, यही है अपनापन। जब हम लोग अपने धर्म के लिए आपसे इतना प्यार करते हैं, हम यहाँ किस लिए आए? सिर्फ धर्म को बढ़ोतरी देने के लिए आए, हमारा अपना पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है। आप भी चाहते हो हमारा पुण्य बढ़े, धर्म बढ़े, तो धर्मो रक्षति रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। तो आप सबसे निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जिजमान बने, उस कुंभ में यज्ञ में आहुति दें, अपने घर से अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक एक आहुति हर घर से, यहाँ जो बैठे उन सबके घर से जानी चाहिए, इतनी प्रार्थना। अभी हमारे मध्य में
कृष्ण रुक्मणी भगवान आ रहे हैं, आप विवाह का दर्शन करेंगे और बैठे रहेंगे। आज कोई तब तक नहीं जाएगा जब तक ठाकुर जी की बरात में नाच न ले। अरे दुनिया की बरात में बहुत नाचे हो, आज कन्हैया की बरात में नाचने का मौका मिला है, और आज जब ठाकुर की बरात में नाचे तो किस्मत जग जाएगी साहब, अपने आप जग जाएगी। हैं द्वारकाधीश भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। आगे हमें सरकार देखिए, फिर आपका वार्तालाप शुरू हो गया। बतियाओ मत, बतियाने के लिए मैं ही काफी हूं। माताएं पीछे हैं जो बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाइए। जो खड़ा होगा वो शिशुपाल की बरात में आया है, और जो बैठा है वो मेरे कन्हैया की बरात में आया है। शिशुपाल के बरातियों को तो भोजन भी नहीं मिला था ढंग से, अब तुम देख लो तुम्हें भोजन भोजन चाहिए कि नहीं। बैठ जाओ सब, सब बैठ जाओ। आइए भगवान जी, सरकार विवाह करेंगे। हमारा कन्हैया बड़ो तेज है, बड़ो चंचल है, जो कह रहा ब्याह तो जितनी जल्दी हो करवा दो साहब। महाराज ब्याह करके कोई सुखी ना है, बहुत देखो इनने पूछ लो जितने बैठे गए जी कुर्सी पे। नेक आगे आओ ना, नेक और आगे चलो, नेक और सर आप भी, और नेक और अब इनने देखो कुर्सी वाले ने, ये सुखी है। काऊ के सफेद बार आए गए, काऊ के एकदम ब्याह को ही लोड है महाराज, ये सब करना है ब्याह, ये नहीं मानने वाले। अरे शादी तो कराओ भैया, बाद में देखेंगे जो कुछ देखना। और हमारे ब्रज में कहते हैं जी ऐसा लड्डू है जो खावे सो पछतावे, जो न खावे लोग कहते पहले खाई लो फिर पछताएंगे। पापा कहने वाला तो कोई आए, मम्मी कहने वाला तो कोई आए तो ठीक है महाराज, जब आप नहीं मान रहे हैं तो फिर हम क्या करें। ये जो देवियां मेरी लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी हो गई, आपको बार बार अलग से बोलना पड़ेगा, बहुत गलत बात है। जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको बैठा दे, किसी को भी खड़ा ना रहने दे, कल से और पुलिस वाले बुलाऊंगा, और जो खड़ा होगा ना उसके डंडे लेके खड़वाऊंगा वहां पर। सरकार माला दे दो, माला माला दे दो। अब अंताब है वो ठाकुर जी को भी माला दो भैया। और जैसे ही पहले रुक्मणी जी माल्यार्पण करेंगी, उसके बाद कन्हैया माल्यार्पण करेंगे, और आप जोरदार ताली बजाकर जयकारे लगाएंगे कन्हैया के विवाह। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुनरेकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति न भूका विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्वारेक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजासुतं, वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादिशयतोन्मयादतरतस् चार्थेषु विज्ञसुराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना सोऽयं सदा निरस्तपाकं सत्यं परं धीमहि। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की।